1983 में बानु अधैया ने ऑस्कर जीतकर हिंदी सिनेमा में इतिहास रचा। ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। भानु हिंदी सिनेमा की जानी मानी फैशन डिजाइनर थी। उन्हें फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। उन्होंने देवानंद की फिल्म सीआईडी, गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल से लेकर आमिर की लगान और शाहरुख की स्वदेश जैसी सैकड़ों फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। इन्हें ऑस्कर के अलावा 2 नेशनल और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। कामयाबी और शोहरत से भरी भानु अथैया की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बेहद दर्दनाक थे। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद इनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका था। नतीजन 3 साल ये बिस्तर पर रहीं। इनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने ऑस्कर अवार्ड लौटा दिया। भानु ने 1956 की फिल्म सीआईडी से हिंदी सिनेमा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग शुरू की। उनकी पहली फिल्म के हीरो देवानंद थे। आगे उन्होंने गुरुदत्त के साथ प्यासा, चौधरी का चांद, साहेब बीबी और गुलाम जैसी कई फिल्में की। फिर मेरा नाम जोकर, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, सत्यम शिवम सुंदरम, रजिया सुल्तान, राम तेरी गंगा मैली, मिस्टर नटवरलाल, हीना, अग्निपथ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश और आमिर खान की फिल्म लगान में भी इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।